वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं वो है कि हमको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, राइट? कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ठीक? कितनी बुक्स करनी चाहिए? मतलब इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस पे। तो सर एक कुछ एडवाइस दीजिए आप इन एस्पिरेंट्स को, कितने घंटे पढ़ने चाहिए एक IIT JEE जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए या नीट को क्लियर करने के लिए, और कितनी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए? व्हाट वुड यू से टू दिस एस्पिरेंट्स ऑन दिस? मतलब आवर्स के लिए तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप जब भी पढ़ते हैं या ब्रेक लेते हैं, कभी भी घड़ी लेके मतलब जो है आप मत पढ़िए। मतलब घड़ी को आप एक कोने में रख दीजिए जो है, ठीक है? आप पढ़ना स्टार्ट करिए, जब भी आपके पास टाइम है आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक? पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। एक टाइम ऐसा आता है कि आप खुद ही आप देखेंगे कि एग्जॉस्ट हो जाता है, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद आप कितना भी करिए आपको क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप जो है, वहाँ पर आप रेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। अच्छा, फिर जब रेस्ट ले रहे हो तब भी आप घड़ी लेके मत करो कि मेरे को आधे घंटे का रेस्ट लेना है, लेना है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब तक आप दोबारा से रिचार्ज नहीं हो जाते तब तक आप आराम से रेस्ट लीजिए। तो मैं तो ऑलवेज मतलब ये कहता हूँ जो है, और अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप 10 मिनट के बाद अगर रिचार्ज हो गए आप, तो आप खुद से आ जाओगे, नेचुरल से आता है, आप खुद से आ जाओगे जो है। आनंद, आई वुड लाइक टू आस्क द सेम क्वेश्चन, क्योंकि यू नो यू हैव बीन अ मेंटर टू द टॉप सिंगल डिजिट AIR 1 से लेके यू नो एम्स ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके मेनी स्टूडेंट्स हु एक्चुअली डिस्पाइट पोटेंशियल कुड नॉट गेट सेलेक्टेड, राइट? सो व्हाट इज योर सजेशन टू दीज किड्स, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने बुक्स करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? सो आई थिंक सर ने मेरी बात चुरा ली है, एंड इनफैक्ट आई स्टार्ट रिकमेंडिंग द स्टूडेंट्स टू सॉल्व एंड फोकस ओनली ऑन वन बुक. सो इधर यू आर गोइंग टू अ कोचिंग और यू आर सेल्फ स्टडिंग. एवरी टाइम यू रिक्वायर अ बुक टू बी डिपेंडेंट ऑन, बिकॉज बुक हैज अ कंप्लीट कवरेज, बट यू शुड बी डिपेंडेंट ओनली ऑन वन बुक. आई हैव सीन ओवर द ईयर्स ऑफ 12 ईयर्स ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस दैट किड्स दे गो टू बुक्स जस्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्स, बिकॉज दे फील कि इस बुक से ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये बुक कर लेता हूँ. अगले एग्जाम तक उनका बुक चेंज हो जाता है बिकॉज उनको लगता है इसमें तो नहीं आया, ये दूसरी किताब से आया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज एट द एंड ऑफ देयर एंटायर प्रिपरेशन दे आर नॉट डन विद अ सिंगल बुक, एंड उससे उनका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है. एंड देयर फोर एज सर सेड एंड आई वुड एम्फेसिस ऑन द सेम थिंग दैट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन वन बुक थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, राइट? सो दिस इज फर्स्ट. द सेकेंड, यू हैव आस्ड हाउ मेनी आवर्स. सो यस, आई वुड अग्री विथ सर कि सर ने जो कहा है कि आप घड़ी देख के मत पढ़िए, बट जब आप बैठ रहे हैं, आजकल सारे एग्जाम जो हैं वो 3 घंटे के होते ही होते हैं, चाहे आप मेंस की बात करें या एडवांस की बात करें, तो आप कोशिश करो कि आपका जो बॉडी जो है वो 3 घंटे के हिसाब से तैयार हो जाए. एंड देयर फोर इवन इफ इनिशियल डेज में यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 आवर, लेट से स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू मूव इन सच अ वे दैट यू स्टार्ट सेटिंग फॉर 3 आवर्स एट अ स्ट्रेच एंड विथ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड एज सच सेट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. बिकॉज 3 घंटे में बैठ तो गया बट मैं मोबाइल पे मैसेजेस कर रहा हूँ, सो दैट इज नॉट द वे टू अप्रोच. आई थिंक यू हैव टू बी ऑन द टेबल और चेयर विथ 3 आवर्स फुल कॉन्सेंट्रेशन फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो बेसिकली इफ आई कुड समराइज एंड यू नो टेक वॉट यू जस्ट सेड, इट्स मेजरली अराउंड फोकस मोर रेदर दैन स्प्रेड, राइट? सो इट्स द फोकस विच इज रियली इंपॉर्टेंट, बी इट बुक्स बी इट आवर्स, राइट? सो क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वान्टिटी इज प्रॉबली वॉट यू गाइज आर सेइंग.